दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से आप पीएनबी वन एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हैं, जो कि पंजाब नेशनल बैंक का ऑफिशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन है। और लॉगिन करने के बाद भी बहुत सारे लोगों को लॉगिन करने में प्रॉब्लम आता है। एक बार लॉगिन करने के बाद दूसरी बार लॉगिन करने में प्रॉब्लम आता है। सो ये कोई भी आपको वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा क्यों प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से लॉगिन नहीं करते हैं। बट इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, इस तरह से लॉगिन करके दिखाने वाला हूँ कि आपको लाइफ में फिर और कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा इस एप्लीकेशन से, चाहे आप लॉगिन करें या लॉग आउट करें, हमेशा बहुत ही स्मूथली होगा। तो सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ये पीएनबी वन का एप्लीकेशन है। ओके, सो 46 MB का ये एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इस पर आपको अपने जो बुक रहता है पासबुक, उससे आपको सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ओपन कर लें। देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाइए, बिल्कुल जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही आपको करना है। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। यहाँ जो भी आपको परमिशन मांगा जाएगा, सारे परमिशन को आपको सबसे पहले अलाउ कर देना है। ओके, तो मैसेज वगैरह का सारा परमिशन मैं अलाउ कर दिया हूँ, ताकि मैसेज आए जाए तो वो मैं देख सकूँ। ठीक है, और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने कभी यूज़ किया है। अगर यूज़ किया है तो आप साइन इन कर सकते हैं, और नहीं यूज़ किया है तो नेवर यूज़, है ना। और फिर यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन मिल जाता है, ट्रबल साइनिंग इन। ठीक है, तो आप अगर नए हैं तो आप इस पर नेवर साइन इन, जो एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ, ये नेवर साइन इन का जो दिख रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर, तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, नेवर साइन इन। तो यहाँ पर आपको फिर से दो ऑप्शन मिल जाते हैं। सो जो पहला ऑप्शन है वो ये है, रजिस्ट्रेशन विथ डेबिट कार्ड एंड रजिस्ट्रेशन विदाउट डेबिट कार्ड। तो आप दोनों चीज़ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मेरे पास डेबिट कार्ड भी है और विदाउट डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन भी है, यानी कि मेरे पास खाता भी है पीएनबी का। तो चलिए मैं चूज़ कर लेता हूँ डेबिट कार्ड वाला ऑप्शन, और आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसे आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़ना चाहें तो जस्ट कंटिन्यू पर आप यहाँ पर क्लिक कर लें, दैट्स इट। और यहाँ आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाता है, इम्पॉर्टेंट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। तो इसको आप ध्यान से पढ़ लें, मैं एक एक करके बता देता हूँ इन तीनों चीज़ चारों के बारे में। ओके, सो जो पहला है, सबसे पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मोबाइल बैंकिंग सर्विस। अगर आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस यूज़ करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर लें। अगर आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस एंड इंटरनेट बैंकिंग दोनों यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, बट मैं मोबाइल बैंकिंग एंड सर्विस दोनों, मतलब इंटरनेट सर्विस दोनों यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड जो ऑप्शन है, चूज़ द प्रिफर्ड मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है व्यू ऑनली, और सेकंड वाला है व्यू एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, सो व्यू ऑनली पर नहीं, आपको व्यू एंड ट्रांजेक्शन पर क्लिक करना है, यानी कि आप व्यू मतलब देख भी सकते हैं अपना बैलेंस वगैरह, और आप ट्रांजेक्शन भी कर पाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ बैलेंस देख पाएंगे, ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो मेक श्योर कि आप इस पर क्लिक कर लें, व्यू एंड ट्रांजेक्शन दोनों पर। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या करना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है बटन। ठीक है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। सॉरी, इससे पहले ये मैं तो भूल ही गया कि यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट नंबर मस्ट एंड सून डालना है। ठीक है, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और मैं अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेता हूँ, फिर मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर लूँगा। ठीक है,